नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के आदिवासी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेल्टी गांव में आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। धर्मपुर के पालिका संचालित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में चोरी छिपे नहाने गए बच्चों में से एक की डूबने से हुई मौत। दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिंतन बैठक का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर के पालिका संचालित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार कूदकर स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहाने गए वास्ता के 19 वर्षीय युवा मौत के घाट उतरे। वास्ता तहसील के चंपावाड़ी में रहते उमर फारूक जाकिर भाई खलीफा उम्र वर्ष 19, जो धर्मपुर के मस्जिद फलिया में रहती बहन के घर रहने आए थे, जहां से आज अपने दो मित्रों के साथ तीन दरवाजा विस्तार में घूमने गया था। जहां तीन दरवाजा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का गेट बंद होने पर साइड की दीवार कूदकर मित्रों के साथ अंदर प्रवेश कर स्विमिंग पूल में नहाने गया था। स्विमिंग पूल में अंदर जाते ही पानी गहरा होने की वजह से और तैरना नहीं आने पर वह डूबने लगा था। दोस्तों की चीखें सुनकर आसपास के ठेले वाले और दुकान वाले दौड़कर इकट्ठे हो गए और डूबते युवक को बाहर निकालकर बेहोश हालत में एक शख्स उसे बाइक पर बिठाकर नजदीकी स्थित स्टेट अस्पताल में ले गया था, जहां सारवार दरमियान युवक मौत के घाट उतरा था, जिसके चलते वासदा और धर्मपुर के मुस्लिम पंथक में शोक फैल गया था। घटना के बारे में सरफराज इब्राहिम शेख ने पुलिस को बताया, जिसके चलते पुलिस ने गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। पालिका संचालित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पालिका द्वारा 24 घंटे वॉचमैन तैनात करने की मांग उठ रही है। दादरा नगर हवेली के आदिवासी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय का शिलान्यास किया गया। दादरा नगर हवेली के आदिवासी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेल्टिक गांव में आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। वैसे तो पूरे भारत में आज के दिन 50 एकलव्य स्कूल का शिलान्यास हुआ, परंतु दादरा नगर हवेली में स्कूल का खुलना काफी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली सांसद कला बेंडेलकर, प्रशासक के सलाहकार ए.के. सिंह, शिक्षा सचिव पूजा जैन, कलेक्टर राकेश मिन्हास, जिला पंचायत प्रमुख निशा भावर तथा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश चौहान उपस्थित रहे। इनके अलावा पुलिस महानिरीक्षक विक्रमजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं बुद्धिजीवी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। स्कूल का शिलान्यास, पाटिका का अनावरण सांसद कला बेंडेलकर के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में किए गए लॉन्चिंग का भी स्क्रीन पर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत गणमान्य के हाथों से वृक्षारोपण भी हुआ। इस संदर्भ में शिक्षा सचिव पूजा जैन ने बताया कि एकलव्य स्कूल अगले दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। 6ठी से 12वीं तक स्कूल में कुल बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गौंड चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। अपने गौरव से कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ ना यहां बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। देवी सज्जनों, Thank you.
जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पे, ये चालू रखो, प्रोग्राम चालू रखो, मंच पे लाइव प्रोग्राम भी चालू हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, देश में भोपाल की इस वीर वसुंधरा पर देश के जनजातीय समाज के गौरव के अपने संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज इस जनजातीय महासम्मेलन में माननीय प्रधान द्वारा 50 EMRS का लोकार्पण किया गया है। उसमें से एक लोकार्पण हमारा दादरा नगर हवेली के EMRS का भी हुआ है। यह EMRS के लिए छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के 480 बच्चे पढ़ेंगे फ्यूचर में। अभी यहाँ पे हमने इसे 2020 में सैंक्शन करा के और 2020 दिसंबर से चालू कर दिया था। प्रेजेंटली इसके अंदर कक्षा 3 से 8वीं के 180 छात्र और छात्राएँ पढ़ रही हैं और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। हर साल इसमें JNV के माध्यम की तरह 6th क्लास में एडमिशन्स होते हैं और ऐसे ऐसे 12वीं तक जाएगा। तो ये ST बच्चों के लिए है और बहुत ही परफेक्ट मॉडल है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये हमारे यहाँ की ट्राइबल जनता के सभी बच्चों को बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा साबित। सर कब तक बन के चलना तैयार? ये अभी कंस्ट्रक्शन एजेंसी HSCL ने द्वारा ये सारा काम आज आयोजित किया गया था हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में। तो ये अगले दिसंबर तक का टाइमलाइन है जबकि हमारा फेज़ 1 खत्म हो जाएगा जिसके अंदर इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और 2 हॉस्टल ब्लॉक तैयार हो जाएगा। लागत कितनी लगेगी इसमें? इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 38 करोड़ है, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों मिला के। सिलवासा भाजपा कार्यालय अटल भवन पर भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के पदाधिकारियों की आज हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के पदाधिकारियों की चिंतन बैठक आज सिलवासा भाजपा कार्यालय अटल भवन पर आयोजित हुई। इस बैठक के प्रमुख अतिथि भारत सरकार कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख उपस्थितों में प्रदेश की प्रभारी श्रीमती विजया रहाटकर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल, नवसारी के विधायक श्री पीयूष देसाई, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री विवेक दाढ़ाकर, पूर्व सांसद श्री नटू भाई पटेल, श्री महेश गावित, प्रदेश महामंत्री श्री वासुभाई पटेल, श्री जीतू माढ़ा, SMC अध्यक्ष श्री राकेश सिंह चौहान, श्री फतेह सिंह चौहान, श्री अजय देसाई वगैरह उपस्थित रहे। वलसाड़ के बरुमाड़ में भगवान भाव भावेश्वर धाम में आज से शुरू हुआ पाठात्मक लक्ष्य चंडी महायज्ञ। यह यज्ञ निरंतर 3 साल तक चलेगा। वलसाड़ जिले के अंतराल विस्तार में स्थित बरमुड़ा में भगवान भाव भावेश्वर धाम में आज से पाठात्मक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ के प्रारंभ के समय भाव भावेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर विधानंद सरस्वती जी महाराज और गुजरात भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल की विशेष उपस्थिति रही। इस प्रसंग में राज्य के नाना ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई, राज्य के आदि जाति एवं अन्न पुरवठा मंत्री नरेश भाई पटेल, राज्य के नर्मदा कल्पसर और पानी पुरवठा मंत्री जीतूभाई चौधरी की उपस्थिति रही। यज्ञ के प्रारंभ में संस्था के महंत महामंडलेश्वर विधानंद सरस्वती जी ने इस संस्था के और महायज्ञ के हेतुओं के बारे में श्रद्धालुओं को बताया।
निरंतर 3 साल तक चलने वाले इस लक्ष्य चंडी महायज्ञ के आरंभ में संकल्प लेते हुए भाजपा के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल ने भी अपना संकल्प व्यक्त किया था और बताया कि राजकारण और कर्म कारण किसी भी रूप में अलग नहीं है। धर्म की रक्षा और धर्म के आशीर्वाद से ही यह राजकारण चल रहा है। ऐसा बताते हुए प्रमुख सीआर पाटिल ने ज्यादा में बताया कि जो सरकार धर्म के आधार पर चलती है वही लोगों का कल्याण कर सकती है। ऐसे सीआर पाटिल ने आज इस लक्ष्य चंडी महायज्ञ के प्रारंभ में मानव कल्याण की कामना की। वहीं महाराज ने भी सीआर पाटिल अगले चुनाव में ज्यादा बैठकों के साथ जीतने की मनोकामना पूर्ण होने के आशीर्वाद दिए। आकांक्षा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से खानवेल गांव में 40 वर्ष से अधिक वय की उम्र वाले सभी आदिवासी भाई बहनों का मुफ्त में आई चेकअप कर चश्मा का वितरण किया गया। आकांक्षा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दादरा नगर हवेली के खानवेल गांव में 40 वर्ष से ऊपर की उम्र के आदिवासी भाई बहन की मुफ्त में आई चेकअप और मुफ्त में चश्मा का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति आकांक्षा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश सोनावले, सेक्रेटरी चेतना महियावंशी, वलसाड़ तालुका प्रमुख राजेश पटेल, सिलवासा अध्यक्ष किशोर जाधव, उपाध्यक्ष शेखर पाटिल, सचिव नवनाथ नागरा के और अजय टकले, जयेश लिंगे, कैलाश भापड़, विजय शाहने, सुजाता बेन, राजेंद्र खैर, संतोष सोनी, राजेंद्र वाघ, कणसेसर आदि थे। इस कार्यक्रम में खानवेल विस्तार के सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा। आकांक्षा वेलफेयर ट्रस्ट 3 साल से गुजरात स्टेट और दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र में कार्यरत है। 3 साल से अभी तक ब्लड डोनेशन कैंप, लड़कों के लिए ट्रैकिंग का प्रोग्राम, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, यहाँ तक कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोज़गार अवेलेबल का काम हम लोगों ने उमरगांव तालुका वलसाड डिस्ट्रिक्ट में काम किया हुआ है। जो भी गवर्नमेंट के पास से जो भी महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए जो भी प्रशिक्षण आता है वो सुविधा हम उमरगांव तालुका में और गुजरात में अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं। दादरा नगर हवेली में पहली बार हमने आज एक आई चेकअप कैंप लिया। इसके पहले अंकलास, उमरगांव, बरूमा इतनी जगह पर हमने आई चेकअप कैंप किया है। पिछले 3 साल में अभी तक 4,500 लोगों को फ्री में आई चेकअप कैम्प करवा के फ्री में गोगल वगैरह सब प्रोवाइड किए हैं। अभी ये काम हमने धीरे धीरे सिलवासा के तरफ दादरा नगर हवेली में मुड़ना था। दादरा नगर हवेली में भी हमने आज से एक कमेटी गठन की है। उस कमेटी के अंदर में दादरा नगर हवेली जिला अध्यक्ष किशोर भाई यादव, उपाध्यक्ष शेखर भाई पाटिल, सचिव पद के लिए नवनाथ भाई नगराड़े, हमारे साथ तो जयेश भाई लिंगे, ये कंटिन्यू हमारे साथ यहाँ पे अभी दादरा नगर रैली में कार्य कर रहे हैं। और निश्चित जो भी हमारा बाहर आज तक जो गुजरात में काम किया हुआ है वो काम हम बहुत अच्छी तरह से दादरा नगर रैली के अंदर भी प्रस्तुत करेंगे। जो भी नीडी लोग हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, या तो जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है बच्चों की पढ़ाई के बारे में, लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के बारे में, ये सारे प्रयोजन हम दादरा नगर हवेली के अंदर जरूर करेंगे। हमारा जरूर सहयोग रहेगा और करते रहेगा। इसे आज दादरा नगर हवेली के अंदर हमने खानवेल विस्तार में आई चेकअप कैंप किया। वहाँ पे 152 लोगों का आई चेकअप कैंप हुआ। उसमें से 139 लोगों को गॉगल चश्मा लगा हुआ है, उनको चश्मा दे दिया है। और प्लस उसमें से 5 लोगों को मोतियाबिंदों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो उनको डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है। हमारे इस काम के लिए दादरा नगर हवेली के अंदर या तो हमारा जो भी आई चेकअप कैंप होता है उसके अंदर विजन आरएक्स लैब मुंबई के जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुंबई से हमारे काम के लिए आए हुए थे और उन्होंने हमें पूरी तरह से सहयोग किया। खानवेल विस्तार के अंदर इरफान रहमान करके भाई है, उन्होंने हमें पूरी तरह से सहयोग किया। वेलफेयर ट्रस्ट और 3 साल से आकांक्षा वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर तब से मैं काम कर रहा हूँ। दमनगंगा सर्किट हाउस में कानूनी जागरूकता एवं समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दादरा नगर हवेली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और बार एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कानूनी प्राधिकरण के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत दमनगंगा सर्किट हाउस सिलवासा में कानूनी जागरूकता और समापन कार्यक्रम का आयोजन किया।
जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन जे जमादार की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन पर सरकार की विभिन्न योजनाओं, महिलाओं के संबंधित कानूनों, बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज, बार एसोसिएशन के सभ्यों सहित स्काउट गाइड छात्रों की टीम उपस्थिति में रही। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट अनिल माथुर है और आज हम लोग यहाँ पे सभी हाउस में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले लीगल अवेयरनेस कैंपेन के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री एन जे जमादार सर, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ऑनरेबल वाइस पेटलकर सर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री फरमन ब्रह्मा, इंचार्ज कलेक्टर एस पी साहब और बाकी के अन्य अतिथि उपस्थित थे। यहाँ पे आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का ध्येय यही था कि जो बच्चों के अंदर, जो ग्रामजनों के अंदर लीगल अवेयरनेस का कैंपेन था, उसको हर गांव, हर चौराहे, हर गली मोहल्ले तक पहुंचाना था। और इसी कार्यक्रम का जो आखिरी दिन था, जो 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक था, उसको एकत्रित करके सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया गया, ताकि हर साल इसी तरह से हम लोग लीगल अवेयरनेस हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा सके और कोई भी आदमी अपने लीगल अधिकार से वंचित ना रहे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी न्यू दिल्ली, उनके निर्देश के अनुसार पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली इनके लिए, जहाँ तक आप स्टेट की स्कीम्स है, लॉज है, पहुँचे हैं, उनके लिए पूरे देश भर में ये प्रोग्राम कैंपेन ही ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे सिलवासा में ही डीएनएच में भी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, आज तक हमने प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। उसका शुभारम्भ हुआ था 2 अक्टूबर को खानवेल से, खानवेल स्कूल से स्टार्ट हुआ, आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस दौरान हमने बहुत रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, जैसे सिंधोनी, मानधोनी, खेलपा, बेलपा, रांदा है, वहाँ तक हमने डोर टू डोर पब्लिक के पास जाने की ट्राई की। यहाँ पर थोड़ा इलेक्शन का ये भी था, माहौल भी था, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, फिर भी हमने बहुत ट्राई किया। हम आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के समारोह प्रोग्राम में हमारे मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति नामदास सिंह जमादार सर ये उपस्थित रहे थे, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया था। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हुआ। ये प्रोग्राम में हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहायता मिला, हमारे दोनों वकील बार के सब पदाधिकारी सबको बहुत सहायता मिली, हमारे डार्क सेक्रेटरी, हमारे पी डी जे मैडम, उनका तो गाइडेंस हमको बहुत होता था। कार्य सर भी है, वो तो हमारे साथ में ही रहते हैं हर प्रोग्राम में। हमारा उद्देश्य यही था कि हर पब्लिक के पास हम जाए, हमारा जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का, क्या होता है गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत अच्छे अच्छे लेकिन वहाँ तक जाते नहीं, वो स्कीम वहाँ तक जाए, ये हमारा उद्देश्य था। उसका एक छोटा सा प्रयास है, हम उसको आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के आदिवासी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेल्टी गांव में आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। धर्मपुर के पालिका संचालित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में चोरी छिपे नहाने गए बच्चों में से एक की डूबने से हुई मौत। हवेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिंतन बैठक का किया गया आयोजन। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।